टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे के लगातार बंद होने से व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में अब रोष देखने को मिल रहा है। जिसको लेकर व्यापारी बीते दिन जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन देते हुए बंद सड़क को जल्द खोलने की मांग की। आपको बता दें कि टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर दो दिन 24 और 25 सितंबर को सूखी ढाग से बनलेक के मध्य समस्त छोटे एवं बड़े वाहनों के यातायात हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है। इस दौरान हल्के वाहनों, दोपहिया वाहन और टैक्सी जैसे वाहनों का संचालन प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे के मध्य सूखी ढाग, डाडा, मीनार मोटर मार्ग तथा भारी वाहनों का आवागमन काठगोदाम, देवीधुरा, लोहापाट मोटर मार्ग से किया जा सकेगा। ऐसे में जहां एक ओर टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर मलबा आने से रास्ते को बंद कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर रास्ते को खोलने को लेकर व्यापारियों ने जिला अधिकारी के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा, बंद सड़क को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है और साथ ही ये भी कहा है कि अगर सड़क नहीं खुली तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे व्यापारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टनकपुर से चंपावत के बीच स्वाला के पास एनएच पर मलबा आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एनएच द्वारा इस डेंजर जोन को ठीक करने की तमाम कोशिशें विफल होती जा रही हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय व्यापारियों और आम जनता पर पड़ता नजर आ रहा है। हमारा ये राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का बंद पड़ा है, जिससे रोज ये 3 घंटे कभी 2 घंटे खुला है। तो डीएम साहब के माध्यम से हमने सीएम साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि ये मार्ग शीघ्र से शीघ्र खोला जाए और 5 दिन का हमने इनको अल्टीमेटम दे रखा है। 5 दिन के बाद हम इसमें फिर बड़ा आंदोलन करेंगे और आज मशाल जलूस हमारा निकलेगा एनएच के खिलाफ। ऐसे में जहां एक ओर एनएच पर मलबा आने से रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर व्यापारी बार बार एनएच को खोलने की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर जिला अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के बाद सरकार एनएच को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।